Dear students, welcome to the new lecture of second order differential equation. In the last lecture we have done the auxiliary equations and there are three types of cases. First is real and distinct, second is repeated and real, and the third is complex. Now we are moving towards the non-homogeneous differential equation when we have r of x is not equal to 0. Now first we have a first method of non-homogeneous differential equation is called the method of undetermined coefficient. So our discussion suggests the following to solve the non-homogeneous ordinary differential equation or an initial value problem. We have to solve the homogeneous differential equation and find any solution yp so that we can obtain the general solution. Actually हमारे पास होगा क्या कि जैसे हमने r of x is equal to 0 के लिए सॉल्व किया था तो उसमें से हमारे पास जो सॉल्यूशन है तो उसको हमने yc कहा था, तो ये प्रोसेस तो हमने करना ही। अब साथ में ये r of x जो होगा ये अब 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें एक yp भी चाहिए होगा, तो उस yp को निकालने के लिए पहला मेथड है अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन yp, ठीक है कैसे हम निकालेंगे। वन मेथड इज द सो कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, इट इज मच सिंपलर देन अदर मोर जनरल मेथड गिवन इन सेक्शन 2.10, ये आप क्रेजी की बुक में देख सकते हैं, ठीक है। सिंस इट अप्लाइज टू मॉडल ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू बी शोन इन द नेक्स्ट टू सेक्शन, इसके एप्लीकेशन होंगे। इट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, और ज्यादातर ये यूज जो हो रहा है वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, जैसे वाइब्रेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज हो रहा है। मोर प्रिसाइसली द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट इज सूटेबल फॉर लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ए एंड बी। ये हमारे पास याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी व्हिच इज इक्वल टू 0 हमने वहां पढ़ा था। अब ये r ऑफ x की वैल्यू कोई ना कोई यहां पर गिवन होगी, जो कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कोई पावर ऑफ x यानी कोई पॉलीनोमियल हो सकती है, कोसाइन हो सकता है, साइन हो सकता है, या सम ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल प्लस पॉलीनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल प्लस कोसाइन हो, या पॉलीनोमियल प्लस साइन, यानी दो मिलकर भी साथ आ सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मिलकर भी साथ आ सकते हैं। These function have derivative similar to r of x itself, this gives the idea, सही है। अब हमने क्या करना होगा, जो yp निकालना होगा उसका हमने derivative लेना होंगे जो similar दिए हैं r of x respect से, जैसे अगर second derivative है तो आपने yp का second derivative लेना होगा, फिर y prime है तो उसका मतलब yp का आपने first derivative लेना होगा। अभी हम करेंगे example तो आपको ज़रा समझ आ जाएगा। यहाँ पर इस yp को select कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो table given है यहाँ पर, जो इस crazy की book से हम follow करेंगे। ये रूल्स मैं आपको भी समझा दूंगा, मैंने एक अपने लेक्चर में आपके लिए बनाया तो वहां पे ये मैं आपको और आसानी से समझा दूंगा, वैसे आप बुक में पढ़ लिए। इसलिए असल में इस टेबल का हमारे पास काम है, इस यहां से हमने वाईपी देखना। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल है, के कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो आप वाईपी डायरेक्ट लिखेंगे सी ई रेस टू पावर, जो भी आपकी पावर होगी। जैसे हमारे पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेस टू पावर एक्स, तो आपका जो वाईपी बनेगा वो सी ई रेस टू पावर एफ एक्स, ठीक है। सेकेंड पॉलिनोमियल है k रेस टू पावर k कांस्टेंट है, x रेस टू पावर n, n 0 से स्टार्ट होगा जाता रहेगा, तो पहले आपके पास k n होगा, x n होगा प्लस k n माइनस 1 कम होता रहेगा, x n माइनस 1 अप टू k 1 प्लस k नॉट, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos और sin इन दोनों के लिए सेम है, k cos ओमेगा x प्लस m sin ओमेगा x। अब ये k है c है तो रिजल्ट की बुक में ये ए बी सी लिए हैं, सही है, ये a लिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास जो फॉर्मूले वो सेम ही रहेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल कोसाइन है, एक्सपोनेंशियल साइन है, तो उसके लिए आपने एक्सपोनेंशियल और वही a अल्फा हमारे पास जो होगा एक्सपोनेंशियल की पावर होगी, और ओमेगा जो होगा हमारे पास वो कॉस का या साइन का एंगल होगा। तो आपने ये फॉर्मूले याद करने, इस टेबल को याद करना है, इसकी बेसिस से आपने वाईपी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये मैन जिल की बुक से है तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेथड्स हैं, तो थोड़ी सी डार्क पिक्चर लेकिन समझ में आ जाएगी। हमारे पास क्या स्टेप्स जो रूल्स हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने yc निकालने ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तीन केसेस में से कोई एक केस होगा जिससे आपने अपना yc बना लिया होगा रूट्स निकाल के, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अब फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में आपने yp सेलेक्ट करना होगा टेबल से, सही है, जो हमने टेबल या इस टेबल से आपने क्या करना होगा, अपना yp सेलेक्ट करना होगा। आर ऑफ एक्स इनमें से कोई भी एक चीज होगी आपके पास, सही है। जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया yp को, तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि yc और yp की तमाम टर्म्स एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए,
अगर चेंज नहीं है, लेट सपोज अगर कोई भी टर्म, कोई एक भी टर्म वाईसी और वाईपी की सेम है, तो आप अपने स्टेप नंबर वन पे जाएंगे। ठीक है, आप स्टेप नंबर वन पे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट्स चेक करेंगे। अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो आप अपने वाईपी को चेंज करेंगे। वाईपी को चेंज इस तरह करेंगे, जो भी आपने टेबल से वाईपी लिया होगा उसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और अगर ये रिपीटेड रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे तो आप अपने वाईपी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लाजमी उस वक्त करना होगा जब आपके वाईसी और वाईपी सेम होंगे, कोई भी एक टर्म सेम होगी। अगर कोई भी टर्म सेम नहीं है तो ये स्टेप नंबर थ्री कैंसिल हो जाएगा, स्टेप नंबर थ्री आपके पास आएगा नहीं, आप डायरेक्ट स्टेप नंबर फोर पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी काम की चीज़ है जो बहुत सी बुकों में डायरेक्ट बताई गई है, तो इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट में कोई टर्म्स और सेम नहीं होती क्योंकि इसमें कॉस का साइन होता है, तो बहुत मुश्किल रेयर केसेस होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स रूट से आपके पास सेम टर्म्स आ रही हो। सेम टर्म्स मोस्टली डिस्टिंग और रिपीटेड रूट्स में आएगी। तो डिस्टिंग रूट्स में आपने वाईपी को चेंज करना है, एक्स लगा देना है, और रिपीट और इक्वल रूट होंगे तो आपने वाईपी को चेंज करना है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, जो भी आपका वाईपी आ रहा है। ठीक है, फिर आपने जब आपका वाईपी बन गया होगा, फिर आपने अपने कांस्टेंट या अननोन की वैल्यू निकालनी होगी। दो मेथड आपने अपनी पिछली क्लासों में भी किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कंपैरिजन मेथड, जो आपको बेहतर लग रहा है उस मेथड से अपने वाईपी या कांस्टेंट या अननोन निकालेंगे, और लास्ट पे अपना जनरल सोल्यूशन वाईसी और वाईपी दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल पे। इजी की बुक की एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा भी आखिर में, इसको मैं थोड़ा डिटेल में किया है, बाकी फिर मैं इसको डायरेक्ट बुक से करेंगे। y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सही है, ये आपकी ऑक्सिलरी। तो पहले अपने इसको दो, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में कर दिया, ये नॉन होमोजेनियस क्योंकि राइट हैंड साइड पे इसकी पॉलीनोमियल गिवन है, तो आपने इसको दो पार्ट में करना है, यानी पहले इसे लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना और इससे वाई सी निकालना। वही ऑक्सिलरी निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 ले लें, या फिर आप एम से कर लें। ठीक है, तो इनको आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, दो रूट्स आ जाएंगे विच इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये माइनस टू प्लस माइनस सिक्स, तो वही आपने माइनस वाले पहले लिख दिया, माइनस कॉमन निकाल के और पॉजिटिव वाले को, ये आपका वाई सी आ गया। ठीक है, जो हमारे लास्ट लेक्चर है, असल काम हमारा यहाँ से स्टार्ट है। आर ऑफ एक्स जितने आर ऑफ एक्स क्या, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये आपका आर ऑफ एक्स है। अब टेबल पे जाते हैं और टेबल से इस पॉलीनोमियल कि हम क्या बोलते हैं आर वाई पी निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब ये हमारे पास है एक्स की पावर एन है, तो अब एक्स की पावर एन का मतलब है इसमें जो हमारा आर एफ एक्स है इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, टू है। अब इसमें आप क्या रख दें, टू रख दें, तो जब आप एक्स की पावर एन की पावर टू रखें तो ये बन जाएगा टू, तो के टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस ये वैल्यू कम हो रही, एक कम हो रही, तो टू में से कम करेंगे तो के वन और एक्स बन जाएगा, और आखिर में ये बन जाएगा के नॉट बन जाएगा। सही है, तो ये इस तरह आपने वाईपी निकालना, तो वाईपी क्या बनेगा, इस पावर से स्टार्ट करनी है, इस कांस्टेंट को भी छोड़ देना, सिर्फ पावर से स्टार्ट करनी है, तो ये कांस्टेंट वही रखना जो वाईपी में गिवन है। अब ये एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या लेंगे, के टू एक्स स्क्वायर, फिर कम करें के वन एक्स, फिर और कम करें के नॉट एक्स की पावर जीरो विच इज वन, तो ये आपकी आपका आ गया वाईपी। अब इसमें आपके पास अननोन है, के वन के टू और के नॉट, ये सारे अननोन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब जैसे पीछे बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ एक्स है निकालना है, तो इसका मतलब आपने इस वाईपी के डेरिवेटिव लेने उतने जितने ऑर्डर की आपकी इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन किस ऑर्डर की, वो सेकंड ऑर्डर की, तो आपने इस वाईपी के सेकंड डेरिवेटिव लेने। ठीक है, सबसे पहले दोबारा सुन लें, आर ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो पावर है टू है वो मैक्सिमम, इस टू से स्टार्ट करना है आपने के टू एक्स स्क्वायर, फिर कम करें के वन एक्स, फिर कम करने के नॉट। ठीक है, अगर ये क्यूब होता तो फिर के थ्री एक्स क्यूब, फिर के टू एक्स स्क्वायर, फिर वहां से स्टार्ट होता है थ्री से। सही है, अभी ये टू स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। सही है, टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है। सही है, ये कांस्टेंट है, के नॉट जीरो हो जाएगा, के वन एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। फिर जब इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, टू के टू बचेगा और प्लस के नो के वन कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। अब इन तमाम सब्सटीट्यूट ऑल अबव वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें सब्सटीट्यूट कर दें, यानी वाई डबल प्राइम की जगह वाई पी डबल प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, वाई प्राइम की जगह वाई पी प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, और वाई की जगह सिंपल वाई पी पुट करना है। ठीक है, ये आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आपका वाई पी डबल प्राइम है, ये वाई पी प्राइम है, और ये वाई पी है। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने अरेंज कर देना, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कर देनी है, फिर एक्स की टर्म अलग कर दीजिए, कॉन्स्टेंट अलग कर दीजिए, राइट पे आपको भी आर एफ एक्स रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन मेथड स्टार्ट हुआ, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो इसकी कॉन्स्टेंट हम इसकी कॉन्स्टेंट हम कंपेयर कर लेंगे, तो माइनस टू के टू बराबर हो जाएगा टू के। सही, आपने पढ़ किया हुआ है छोटी क्लास में बड़ी क्लास पिछले लेक्चर्स में कि इनमें हम किस तरह कंपेरिजन करते हैं। फिर आपका ये कॉन्स्टेंट है एट के टू माइनस टू के वन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, और इसी तरह कॉन्स्टेंट हम आ जाएगा सिक्स।
आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अननोन आ गई वैल्यूज। ये के नॉट, के वन और के टू का आप सब्सिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन टू में, ये इक्वेशन टू में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका वाई पी आ जाएगा। वाई पी में हमेशा जो अननोन होंगे उनकी वैल्यू निकाल के आपने बना दोगे, ये आपका वाई पी आ जाएगा जिसमें आपने अननोन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली। ठीक है, वाई पी में कभी भी अननोन कोफिशिएंट्स नहीं रहते, तो उसकी वैल्यू निकाल के आपने वाई पी को बनाना होगा। जनरल सॉल्यूशन क्या, जनरल सॉल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी को किया और प्लस आपने वाई पी लिख दिया। ठीक है, तो वाई सी और वाई पी दोनों ऐड करके इसका जनरल सॉल्यूशन। ये जी वाई सी में जो कांस्टेंट आ रहे हैं ये निकलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। अगर आपकी कोई इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, हमने क्लास में किया था, तो वहां पर आप ये सी वन सी टू की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन वाई पी में आपको कंपैरिजन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कंपेरिजन का। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं जिल की बुक में, जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें भी 141 पेज पर है, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने रीड कर लिया जिनकी, और मैं एक्सपायर वो असाइनमेंट भी दूंगा इसी बुक का, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया, इसने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंट ए बी सी लिए, हम वही ले लेंगे जिल की बुक के, कोई मसला नहीं है उसके, क्रेजिक की बुक के। ये इसने बताया गया इस तरह सिंप्लीफाई, उसने दिखाया किस तरह की, और ये इसका वाई पी आई है। ठीक है, और फिर आखिर में इसने दोनों को ऐड करके। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें साइन वाला है, तो साइन के आपने कांस्टेंट लेने हैं वाई पी। ए बी लिया, वहाँ पर के एम लिया हुआ है, सही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही कंपैरिजन किया है, और कांस्टेंट निकाल के वाई सी और वाई पी की दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारे आप इनकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर। अच्छा, अब ये अब इसमें देखें, इसमें ये पॉलिनोमियल है और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो आपके पास लगेंगे जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी जो आपकी जो वाई पी होगा वो दो होगा, एक पॉलिनोमियल का लगेगा और एक एक्सपोनेंशियल का लगेगा। ठीक है, बस इसमें ये फर्क है, बाकी तो हम वही लगेंगे, वाई पी वन और वाई पी टू हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा वाई पी वन, ये रहा पॉलिनोमियल का, और वाई टू ये रहा एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, बस आपने क्या करना है, वाई पी आपका क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका वाई पी। अब वही इसका डेरिवेटिव लेने, इक्वेशन पुट करनी है, कंपैरिजन करना है और सॉल्यूशन निकालना है। ये देखें, सही है, पूरे डिटेल दिए, इसको पढ़े, कुछ नहीं आ रहा समझ में, तुम आज मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फोर भी कर लें इसकी। ठीक है, बल्कि आप एग्जाम्पल फोर रहने दें, आप एग्जाम्पल यहाँ तक कर लें इसको, एग्जाम्पल फोर में नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ये तो वो केसेस है जिसमें कोई सेम नहीं आ रहा, अब हम आते हैं ऐसे केस पे जिसमें कोई वैल्यू सेम हो रही होगी वाई सी और वाई पी। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी कर लिएगा, क्रेजी की बुक की है। ठीक है, एग्जाम्पल वन। अच्छा, हम उस केस पर जा रहे हैं जिसमें ये वैल्यू सेम हो जाएगी, बस वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन है, वाई डबल प्राइम प्लस थ्री वाई प्राइम प्लस 2.25y इज इक्वल टू माइनस 10 ई रेज़ टू पावर माइनस 1.5x और इनिशियल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या करते हैं, वही इसने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली है, लैम्डा लिया है, क्रेजिंग ने एम लिया है, जेल ने सुगर फैमिली पर सिंप्लीफाई किया, सही है, रूट हमारे पास आ गई है, ये रूट एक ही आ रहे हैं, सही है, विच इज रिपीटेड एन इक्वल। तो सेकंड केस से इसने अपना वाई सी बना लिया, सही है, ये एज बता रहा है, एज बता रहा है होमोजीनियस, आप वाई सी लिख देगा। अब क्या करते हैं, हम वाई पी निकाल दें, हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इज टू पावर माइनस 1.5x, तो हम अपने टेबल पे चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं, ये तो ये तो इसका वाई पी क्या बनेगा, सी ई रेस्ट पावर माइनस 1.5x, सही है, ये के कॉन्स्टेंट जो भी होगा, तो ये हमारा सी के साथ में लिखना है आपने। ठीक है, तो इसका वाई पी बन गया, ये बन गया वाई। अब इसने क्या किया, अब आप टर्म्स देखेंगे अपनी, कि आपकी ये टर्म सी ई रेस्ट टू पावर माइनस 1.5x यहाँ मौजूद है, ये देखें सी वन ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1.5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी वन भी कॉन्स्टेंट है, ये सी भी कॉन्स्टेंट, अब ये टर्म सेम हो गई पहली इसकी, दूसरी मैक्स आ रहा है, दूसरी सेम नहीं, पहली टर्म सेम हो गई। जब अब कोई भी टर्म सेम हो जाएगी तो आप रूट को चेक करेंगे, जो मैंने अभी बताया, अब रूट आपके रिपीटेड थे, तो अब आपने क्या करना है, वाई पी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये देखें, इसको मॉडिफिकेशन रूल कहते हैं इसमें। अब आपने बस इसमें क्या कर देना, आपका जो वाई पी था, ये जो वाई पी निकाला था, उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ये फर्क है। फिर वही डेरिवेटिव ले रहे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन पुट करना है, कंपैरिजन से या सब्स्टिट्यूशन से करके इसकी वैल्यू निकाल के इसका सॉल्यूशन निकाल देना है।
ठीक है, अब ये आपका सॉल्यूशन आएगा। इसमें आप वो जब मैंने को बताया था C1 C2 इनिशियल वैल्यू से, अब जहाँ इनिशियल वैल्यू गिवन थी x की पावर 0 है और कांस्टेंट वे, तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू दिखा देता हूँ। इनिशियल वैल्यू एक है y0 = 1 और y'0 = 0। तो एक तो आप जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे और दूसरी ये जो वैल्यू है ये जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेटिव जब लेंगे उसमें रखनी है, ये प्राइम की वैल्यू है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए करके ये देखिए। अब ये हमारे पास ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। क्या है, पहली इनिशियल कंडीशन है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर देते हैं। सही है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, पुट कर देते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, या इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, इसमें यूनिट भी लगा, इसमें भी यूनिट भी लगा, सिंप्लीफाई करके आप इसका डेरिवेटिव ले ली, इनिशियल वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, दोनों इनिशियल वैल्यू का आप सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे, दो अननोन आपके पास होंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट निकल आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट आपके पास ही आ रहा है, ये सारे कांस्टेंट, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ये रहा। क्लियर, C2 की वैल्यू 1.5 आ रही है आपके पास, C1 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो जब आप पहली इसमें इक्वेशन पुट करेंगे y = 0 इसमें पुट करेंगे तो आपको C1 मिल जाएगा, डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, C1 C2 को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये इन तमाम क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, को एग्जाम में आता है ये, और किसी भी नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इनको ट्राई करें। कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर पूछ लें, और बाकी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसको भी फर्स्ट ऑर्डर का उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का सेकंड मेथड है सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए, फिर हम उस पर काम करेंगे। सही है, तो कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।